वेलकम टू बैक माय चैनल द एजुकेशन मंत्रा। एजुकेशन मंत्रा पे सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, एजुकेशन मंत्रा बिल्कुल सिपाही के लिए या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए जहां पर हिंदी पूछी जाती है, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। तो हमारे चैनल पे एक बार फिर जुड़िए और हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले पेपर में आने वाला है, देखिए आने वाला पेपर क्या है बताइए आप कमेंट सेशन में। जैसा कि सिपाही तो है ये है, इसके अलावा पेट है, ठीक, पेट के अलावा भी तो कई पेपर है ना जहां हमको तैयारी करना है, जैसे यूपीएसआई आने वाली है, तो उसके लिए अभी से जुट जाइए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप सिर्फ वो महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर चल रहा है जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मैंने हिंदी के वो चीजें लिखे हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, एक एक हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है हास्य स्वर, ठीक, और इसी के जस्ट एक लाइन नीचे करके मैंने लिखा है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो देखिएगा, हास्य और दीर्घ स्वर, अब इनमें देखा जाए तो देखिएगा मैंने लिखा है कौन कौन से हास्य स्वर हैं। तो देखिएगा, आ है, ई है, ऊ है, री है, ठीक है ना। तो यहां पर देखा मैंने चार हास्य स्वर है, हर्ष स्वर देखा जाए कितना है, चार है, ठीक, और दीर्घ स्वर कितना है, ये आपको जो है लगभग सात मिलेंगे, ठीक। तो ये देखिएगा, ये कितना हुआ, चार हुआ। पूछ लेता है कभी कभी, संख्या पूछ लेता है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक, ये भी सात हो गया। अब देखिएगा, एक चीज कॉमन होता है दोनों में, क्या कॉमन होता है देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी चीज समझने वाली चीज है कि जो हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर है, तो इसमें होता क्या है कि ये एक मात्रिक होते हैं, ये क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, या और भी आसान शब्दों में कह सकते हो ये बिना मात्रा के होते हैं, ये क्या होते हैं, बिना मात्रा के होते हैं। इनमें देखिएगा किसी में मात्रा लगा है, नहीं लगा है, और दीर्घ में क्या है, ये मात्रिक होते हैं, ये क्या होते हैं, मात्रिक होते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा गया इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर, मतलब जो है दीर्घ, सॉरी, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, क्या है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, या इनमें से कौन सा हर्ष स्वर है, तो एक चीज मैं आपको कॉमन बता दे रहा हूं, वो कॉमन क्या है, कॉमन यही है कि जिनमें किसी भी वर्ण में कोई मात्रा वगैरह ना लगा हो, आप देखिएगा चारों ऑप्शन में, और वहां देखिएगा कौन सा ऐसा वर्ण है जिनमें मात्रा नहीं लगा है। अगर मात्रा नहीं लगा है तो हर्ष के साथ चला जाएगा, अगर मात्रा लगा है तो किसके साथ चला जाएगा, दीर्घ के साथ चला जाएगा। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा हास्य और दीर्घ, हालांकि हर्ष स्वर की संख्या चार और दीर्घ स्वरों की संख्या सात, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, हम मात्रा चेक करेंगे, ठीक है। दीर्घ में क्या है, मात्रा है, देखिए सब में मात्रा लगा कि नहीं लगा है, लगा है ना, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, और बाकी अगर नहीं समझ में आई हो कमेंट सेशन में टाइप करिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक चीज देखिएगा, यहाँ हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, मूल स्वर, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत ही, मतलब देखिएगा एग्जाम क्या करता है, आपसे गलतियां कराता है, कभी कभी आप खुद देखते होंगे कि कठिन से कठिन सवाल आप विद इन सेकंड लगा लेते हैं और आसान से आसान सवाल आप गलत कर देते हैं, उसके पीछे क्या है, एक तो पहली चीज है कॉन्फिडेंस, ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, प्रैक्टिस। जब आदमी लोकल चीजों की प्रैक्टिस नहीं करता है वो सोचता है, अरे यार ये कहाँ गलत होगा, ये तो मुझसे गलत ही नहीं होगा, तो ऐसे ही सवाल उससे गलत होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में दे देगा इनमें से कौन सा मूल स्वर है, तो एक बार आप सोचेंगे स्वरों की संख्या तो सर ने 11 बताई है, ठीक है, हास्य स्वर भी बताया है, दीर्घ स्वर भी बताया है, प्लुप्त स्वर भी बताया है, लेकिन ये मूल स्वर कहाँ है, तो मूल स्वर से घबराइएगा मत, सिर्फ शब्दों का खेल है। मूल स्वर में क्या होता है, वही स्वर शामिल होते हैं जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, ठीक है, तो मूल स्वर वही कहलाते हैं, और ये मूल स्वर चार ही हैं। कौन कौन से मूल स्वर हैं, यही हैं सेम, ठीक है, एक आ हो गया और ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, यही चार आपके मूल स्वर हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होगी, यानी आपको एक चीज यहां पर कॉमन मिल गया, क्या कॉमन मिल गया, हर्ष स्वर और मूल स्वर, हर्ष स्वर और मूल स्वर दोनों एक ही हैं, बात एक ही है, दीर्घ स्वर मात्रिक होते हैं, जिनमें मात्रा लगी है वो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, संयुक्त स्वर की तरफ चलते हैं, अब देखिएगा संयुक्त स्वर, ठीक है, अब संयुक्त शब्द से ही आपको पता होगा संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ा, भाई कहते नहीं संयुक्त क्या होता है, तो संयुक्त होता है जोड़ा,
ठीक है। संयुक्त में क्या होता है, हमेशा दो वर्ण होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जिन दो वर्णों से मिलकर एक नया वर्ण तैयार हो, या जिन दो वर्णों से मिलकर एक नया वर्ण बने वो संयुक्त कहलाते हैं। लेकिन यहां पर देखो स्वर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ, स्वर लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ संयुक्त स्वर। तो देखना एक चीज ध्यान देना, ये स्वर दो स्वरों के मेल से बने होंगे, किससे बने होंगे, दो स्वरों के मेल से बने होंगे, इनको हम बोलेंगे संयुक्त स्वर। ये क्लियर हो गई हो? अच्छा एक चीज तो नहीं क्लियर हुआ होगा कि संयुक्त स्वर जैसे, मतलब यहां देखिएगा संयुक्त स्वरों की संख्या चार होती है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो घबराइएगा मत। संयुक्त स्वरों की संख्या चार होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या चार होती है, मूल स्वरों की संख्या चार होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या सात होती है। अच्छा अब देखिएगा इसमें करना क्या है, संयुक्त स्वर जो होते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि हमको करना क्या है, किन दो स्वरों से मिलकर ये बना हुआ है, आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई, आ प्लस ई, ठीक है ना, ए हो गया और आ प्लस ए। अब एक चीज ध्यान देना, यहां देखिएगा हमने क्या कहा, आ प्लस ई हो गया, ठीक, अगला देखिएगा, आ तो सब में रहेगा, आ प्लस यही ए, आ प्लस ए से मिलकर क्या बन गया, ए बन गया, और आ प्लस ई से मिलकर क्या बन गया, ए बन गया, ठीक। अब इसमें देखिएगा ओ, ओ का देखिएगा, अब ओ किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये देखिएगा आ प्लस ओ, ठीक है, क्या हो गया, ओ हो गया। अब नीचे देखिएगा, आओ समझ में आ रही चीजें, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो आ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस ओ से मिलकर क्या बना हुआ है, ओ मिलकर बना हुआ है। अब देखिएगा ये किससे मिलकर बना हुआ है, आ प्लस उ हो गया और ये आ प्लस ओ हो गया, औ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आ सब में कॉमन है, ठीक है, और आ के बाद ई से ए हो गया और आ प्लस ए से ए हो गया, ठीक, और आ प्लस उ से ओ हो गया और आ प्लस ओ से ओ हो गया। उम्मीद करते हैं चीजें बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ये बिल्कुल समझिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी, इसके आगे हम लिख दे रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न बनता है यहां से। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर, आगे हम संयुक्त व्यंजन भी पढ़ेंगे, दोनों में देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, संयुक्त स्वर है और आगे हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये उम्मीद करते हैं तैयार हो गया होगा। अब आगत स्वर की हम बात करते हैं, ये देखिएगा आगत स्वर लिखा हुआ है आ, ठीक है, ऊपर अर्धचंद बना हुआ है। अब आगत क्या होता है, सबसे पहले चीजें हैं, देखिएगा दीर्घ का मतलब सबको होता है, बड़ा होता है, ये कमी होता है, मूल सबको पता है बेसिक, ठीक है, संयुक्त सबको मैंने बता दिया कि दो स्वरों से, वो दो मतलब किन्हीं वर्णों से, ठीक है, संयुक्त होता आगत, आगत, आ का मतलब क्या होता, आना, ठीक है। तो जब क्या होता है, कभी कभी हमको कुछ ऐसे वर्ण की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा प्रोनंसिएशन, हमारा उच्चारण या हिंदी शब्दकोश में एक शब्द का सही और सटीक अर्थ निकाला जा सके, इसीलिए समय के साथ हमें नए वर्णों की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम देखते हैं कि आप लोग ने देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड ने नए वर्ड की मीनिंग दी है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे शब्द की नई मीनिंग आई है या नया ये शब्द आया, ऐसा तो सुनते होंगे समाचार वगैरह में, तो बस वही है। आगत का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे भाषा से आ गया हो, ठीक है ना, आगत का क्या मतलब हो गया, जो किसी दूसरे भाषा से लिया गया हो उसको आगत बोलते हैं। जैसे हिंदी मेरी मूल भाषा है, अब हिंदी में हम जब कोई भाषा उर्दू का ले लिए तो उर्दू से हिंदी में आया तो इसका क्या मतलब हो गया, आगत हो गया, ठीक है ना। जैसे हिंदी से उर्दू में आ गया या फारसी से हिंदी में आया है तो वो आगत हो गया। ऐसे ही एक फारसी भाषा का शब्द है आ, ठीक। अब लेकिन इसको आने के पीछे रीजन क्या था, हम मैं बता रहा हूं, ठीक। ये देखिएगा, जैसे अगर हमने आपसे कहा एक शब्द में, जैसे यही है लिख रहा हूं, दिख रहा है सभी को ना, यही आगत वर्ण है, ठीक है ना, यही आगत वर्ण है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास इसके पहले जैसे ये था, हमको ये एक शब्द लिख रहे हैं,
डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ट्रॉफी, इसके अलावा देखिएगा सोपी, गलत है, चारों गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम क्या किए, अंग्रेजी के शब्दकोश में गए, ठीक है ना, अंग्रेजी के शब्दकोश में गए और वहां डबल आ से हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, डबल ए से हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। एक ये देखिएगा, ये वर्ण है ओ, ये अंग्रेजी का है, ठीक है। अब ओ अगर लिखना है तो हिंदी में ऐसे तो लिखोगे, ये ओ ही तो लिखा हुआ है, ये भी ओ ही लिखा हुआ, ये भी ओ ही लिखा हुआ, और सबको पता है कि गलत है। गलत है कि नहीं गलत है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? ये देखिएगा डॉक्टर शॉप, सही है ना। इसीलिए हमको इसकी जरूरत पड़ी समय के साथ और मैंने इसको अडॉप्ट किया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आगत स्वर बोलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहीं पे आगत स्वर, चीजें समझ में ही आपको आ गया होगा, ठीक है ना। किससे लिया गया है ये आगत? अंग्रेजी से, अंग्रेजी के ओ से, अंग्रेजी के ओ से आ बना हुआ है और इसी से हमारे हिंदी के सारे शब्द के अर्थ निकलते हैं जिनमें इसकी जरूरत होती है, जैसे शॉप, ट्रॉफी, डॉक्टर, ऐसे तमाम शब्द हैं, आप बुक में देखिएगा वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अग्रस्वर है, आगे क्या है, अग्रस्वर है मध्य और पश, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम रफ कर दे रहे हैं चीजें जिससे और सही हो जाए, ठीक है। चलो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट्स वगैरह में अपने, ठीक। चलिए इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। संयुक्त स्वर सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और यहाँ भी रफ कर दे रहे हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट चीजें दिखे, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो चैनल मतलब जो है वीडियो को एक बार फिर से बैक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी रफ कर दे रहे हैं। अब देखिएगा ये क्या है, अग्र, मध्य और पश, पीछे वाला, इसका मतलब पीछे वाला, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब इन तीन चीजों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि जिह्वा के आधार पर, किसके जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्णन, ठीक है। जिह्वा के आधार पर क्या होता है, स्वरों का वर्णन, यहां आप चाहे लिख भी लो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्णन, ठीक। अब जिह्वा के आधार पे क्या मतलब हो गया, जैसे एक चलिए ठीक है हम यहीं आपके बगल में एक जीव बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लमसम में ऐसे होता है, ये हो गया जीव, ठीक है। और ये आपका जीव, जैसे ये मेरा जीव है, ठीक है ना, तो जीव का मतलब बिल्कुल आगे वाला पार्ट है और बिल्कुल जहां से बिल्कुल टॉक्सिन निकली हुई है तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो इसको क्या किया गया है विद्वानों ने, जिह्वा के आधार पर मतलब जो है स्वरों का वर्णन कर दिए हैं, जिह्वा के आधार पर क्या कर दिए हैं, स्वरों का वर्णन कर दिए हैं। अब इसका क्या नाम है, अग्रस्वर है, ये मध्य स्वर है और ये पश्च स्वर है, ठीक है ना, पीछे वाला स्वर कह सकते हो आप। तो इसमें क्या था कि जब हम हिंदी के वर्णों का, हिंदी में स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा कि जीभ का मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, जैसे यही मेरी जीभ है तो कुछ ऐसे वर्ण आप बोलते हो तो जीभ बिल्कुल ऐसे ऊपर गई, तालू के अगले हिस्से को ऐसे टच की, नीचे गिर गई, मतलब ऊपर उठी नीचे गिर गई और वो वर्ण बाहर आ गया, ठीक है, आपने उसे सुन लिया। और यही जीव है, कभी कभी क्या होता है ये ऊपर नीचे नहीं होगा, पीछे होगा, कोई शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो पीछे, मतलब ये जीव है ऐसे पीछे हो जाए, ये जीव है पीछे, मतलब ये पार्ट उठ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ऐसे वर्ण होते हैं कि जीव बिल्कुल आराम से ऐसे है, बिल्कुल वर्ण को बाहर निकाल देती है, मतलब यहां से मूवमेंट हुआ, यहां से थोड़ा ऊपर उठा, समझ गए होंगे, वही चीज यहां मैं बनाया हूं, वही जीव, ठीक है। तो देखिएगा ये अगर हम देखा जाए तो ये पीछे वाला पार्ट हो गया और ये आगे वाला पार्ट हो गया, ये बीच वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये कहां बीच वाला पार्ट हो गया, और बीच वाला पार्ट क्या हो गया, मध्य हो गया। तो मध्य स्वर सिर्फ एक है और वो है आ, ठीक है। आप अपने मुंह से बिल्कुल उच्चारण करिए, अपने मुखार बिंदु से आप उच्चारण करिए, देखिएगा सिर्फ बोलिएगा आ, 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 कोई वेरिएशन आया नहीं आया। होता क्या है कि इसमें कि ये जीव है बीच से एयर बना और वर्ण बाहर आ गया, वो हवा के साथ मूवमेंट ना तो पीछे हुआ ना तो आगे हुआ ना तो पीछे हुआ,
ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, पूछा जाता है इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो अग्र स्वर हो गया। अब देखिएगा ये मध्य स्वर तो सबको समझ में आ गया कि आ कोई मतलब जो है मतलब जो है जीभ का हमारा कोई मतलब जो है ऊपर नीचे या कोई किसी प्रकार का कोई जीभ में मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक, लेकिन जैसे ही अग्र में हम करते हैं ई, देखिएगा ई ई उ ए, तो आप देख रहे हैं जीभ बिल्कुल ये है ऊपर जा रही, ऊपर तालू के अगले हिस्से को मतलब टच करके नीचे गिर जा रही, ऊपर जाए नीचे गिर जा रही, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, अग्रस्वर बोला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अग्रस्वर हो गया, और ये सबको पता है मध्य स्वर हो गया। और पश्य स्वर में क्या है कि पीछे जाएगी, जैसे हमने कहा आ उ, देखिएगा देखिए आ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मत। ठीक है, जैसे मैंने कहा आ, आ, तो जीभ में पीछे की तरफ खिंचा हुआ ना, तो जब पीछे की तरफ खिंचा हुआ इसका मतलब ये पीछे वाला पार्ट हो गया, पश्य स्वर हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा यहां चलते हैं, यहां कोई डाउट तो नहीं है ना, अग्र मध्य और पश्य स्वर। ठीक है, यहां आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी बताइएगा। ठीक, जिह्वा के आधार पर मतलब जो है स्वर का वर्णन है ये। ठीक है ना, जिह्वा के आधार पर मतलब स्वर का वर्णन है। ठीक, अब यहां देखते हैं समृद्ध स्वर, चलते हैं अर्ध समृद्ध की तरफ चलते हैं और विवृत्त की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो समृद्ध स्वर क्या होता है, समृद्ध स्वर क्या होता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, परिभाषा आप देख सकते हो बहुत आराम से हम बोल रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता हो उसको समृद्ध स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध की तुलना में मुंह थोड़ा ज्यादा खुलता हो, जैसे ये मुख है मेरा, मान लिया ये मुख है मेरा, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा ना खुले, जैसे पूरा ढाका है इसका हाथिन बाईधीन वह तरीका से ना हुए, ठीक है, मतलब बिल्कुल कम खुले, जैसे मैंने वर्ण लिया ई ई, तो आपने देखा कि मुख खुल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खुल रहा है। ठीक है, समृद्ध स्वर में ई ई उ री, बहुत नहीं खुला। लेकिन अर्ध समृद्ध में क्या है, इसका लिख लीजिएगा परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में ठीक है ना मुख कम खुलता हो उसको समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल यहां दिया गया है, अर्ध समृद्ध क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की तुलना में थोड़ा कम खुले, ठीक है ना, थोड़ा कम खुले वो क्या कहलाता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। एग्जाम्पल में दो ही है ए ओ, ठीक है, देखिएगा बोलिएगा ई, बोलिए ई ए, बोलिए ई ओ, देखिएगा इसकी तुलना में ये थोड़ा ज्यादा खुल रहा है कि नहीं, मुख खुल रहा है ना, तो वो क्या हो गया, अर्ध समृद्ध हो गया। और विवृत में क्या होता है ना कि विवृत में इन दोनों की तुलना में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, मतलब पूरा मुख आ बोलते नहीं चिल्ला आ, खुला कि नहीं खुला, चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। समृद्ध स्वर, ठीक है ना, क्या था, समृद्ध स्वर था, अर्ध समृद्ध था और विवृत था। समृद्ध स्वर में मैंने कहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख थोड़ा कम खुलता हो समृद्ध स्वर कहलाता है, एग्जाम्पल लिखा गया है। इसके अलावा अर्ध समृद्ध में क्या है, अर्ध समृद्ध में जिनमें मतलब समृद्ध की तुलना में थोड़ा ज्यादा खुलता हो, और विवृत में ढाका पूरा मुख खुल जाए वो तो क्या कहलाता है, विवृत। तो ये हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो कैसा रहा हमारा ये सेशन, आप हमारे कमेंट सेशन में जाकर वो बताइए।